जबेरा से हमारे संवाददाता मयंक जैन की रिपोर्ट। सिंग्रामपुर क्षेत्र में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं। कलेक्टर सहित पुरातत्व विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। स्थलों पर नागरिक सुविधाएं बढ़ाने कलेक्टर ने दिए निर्देश। जबेरा से हमारे संवाददाता मयंक जैन की रिपोर्ट। दमोह जिले के जबेरा संग्रामपुर के क्षेत्र में पर्यटन की विकास की असीम संभावनाएं हैं। क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से करीब दर्जन भर चिन्हित स्थान पॉइंट हैं, जिनके विकास के साथ ही जबेरा क्षेत्र पर्यटन विकास के नक्शे में उभर कर सामने आएगा। क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी विशेष रुचि दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में कलेक्टर तरुण राठी के साथ एएसआई सहित पर्यटन और पुरातत्व अधिकारियों ने जबेरा संग्रामपुर क्षेत्र के चिन्हित दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों का दौरा कर निरीक्षण किया और उन्हें जताना से हमारे संवाददाता नीरेंद्र चौबे की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश पटेल ने की दूध डेयरी पर जांच। काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि दूध डेयरी दूध एवं खोबा में मिलावट हो रहा है, जिससे के बाद आज जतारा की पुलिस के साथ पटवारी आरआई को लेकर खाद्य विभाग की टीम ने एक दूध डेयरी पर कार्रवाई की। जतारा की खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश पटेल ने जतारा में संचालित हो रही दूध डेयरियों पर जाकर लिए सैंपल और सैंपल लेकर उनकी जांच के लिए लैब भेजा। जतारा से हमारे संवाददाता नीरेंद्र चौबे की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। कोविड 19 की नर्सिंग स्टाफ के साथ मेडिकल कॉलेज में अभद्रता, थाने में शिकायत करने पहुंची महिला मेडिकल कॉलेज की डीन, सुपरिंटेंडेंट और अन्य कर्मचारियों पर लगाए अभद्रता का आरोप। जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में पदस्थ कामनी नामक नर्स को 31 दिसंबर को कार्यमुक्त कर दिया गया था। उसके बाद शुक्रवार को जब वह अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेने पहुंची तो उसे सिर्फ 11 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया। इस बात से नाराज होकर उसने मेडिकल कॉलेज के डीन से बात करने की कोशिश की। वहां मौजूद एक कर्मचारी ने कामनी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत द्वारा भी अभद्रता व्यवहार करने का आरोप लगाया है। डीन द्वारा भी अभद्र बातचीत का आरोप लगाया है। इन्हीं आरोपों को लेकर कामनी ने आज थाने में जाकर शिकायत करने पहुंची। कोतवाली थाने में पूरे मामले के साथ कांग्रेस नेता सुभाष बहु ने भी कामनी के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा कर कार्रवाई करने की मांग की है। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। अगर मैं जो पेपर है उनके पास सर, मुझे वापस पेपर वापस क्यों नहीं करोगे? बात करनी है। एक मिनट सर, एक मिनट, समझते क्या हो? समझते क्या हो? इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा चलेगा? मैं मीडिया को तो क्या मैं सबको बुलाऊंगी? हाँ, और ये सर लोगों ऐसा